चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल लविश पर। तो आज की दोस्तों ये वीडियो होने वाली है टॉप 10 प्लस बेस्ट यहाँ पे दिसंबर में जो स्मार्टफोन आने वाले हैं दिसंबर 2021 में, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आपको यहाँ पे कौन कौन से स्मार्टफोन देखने को मिलने वाले हैं। अराउंड यहाँ पे 15 प्लस स्मार्टफोन हैं जो आज मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। और यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बना ली है लैपटॉप के अंदर जो मैं आपको बताने वाला हूँ। बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या किया कि ब्रांड वाइज यहाँ पे लिस्ट बना चुका हूँ मैं कि यहाँ पे कौन कौन से ब्रांड यहाँ पे कौन कौन से स्मार्टफोन को अपने लॉन्च करने वाले हैं, ताकि आपको भी दोस्तों ईजी हो जाए समझने के लिए कि यहाँ पे कौन कौन से ब्रांड्स के स्मार्टफोन दिसंबर में आने वाले हैं। पर इसमें यार काफी मेहनत लगती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए हमारे चैनल को जाके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। बेल आइकन को जाके भी ऑल पे कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे जैसे हम दोस्तों की नई वीडियो को अपलोड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं आज की इसी वीडियो को। यहाँ पे बात कर लेते हैं टॉप 10 प्लस बेस्ट अपकमिंग मोबाइल फोन लॉन्चेस इन दिसंबर 2021। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ब्रांड कैटेगरी मैंने डिवाइड कर लिया है। सबसे पहले अगर हम बात करें सैमसंग ब्रांड की कि यहाँ पे सैमसंग कौन कौन से स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाला है, सैमसंग का यहाँ पे कोई ज्यादा स्मार्टफोन नहीं आने वाला है। एक यहाँ पे लीक निकल के आया कि सैमसंग का यहाँ पे A13 5G स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा। जैसे अभी सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी A12 आता है, वैसे आपको यहाँ पे उसका यहाँ पे अपग्रेड वर्जन जो नेक्स्ट सीरीज होगी सैमसंग गैलेक्सी A13 5G स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको यहाँ पे मीडियाटेक का डायमेंसिटी 700 चिपसेट देखने को मिल सकता है। हाँ, यहाँ पे यही चिपसेट के अकॉर्डिंगली लीक्स आ रहे हैं कि हाँ आपको ये जो स्मार्टफोन है वो शायद आपको यहाँ पे दिसंबर के मंथ में देखने को मिल जाए। और यहाँ पे सैमसंग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये उनका चीपेस्ट 5G फोन ऑफ सैमसंग होने वाला है। मतलब अगर यार 5G फोन तो ठीक है, अगर इसके अंदर आपको यहाँ पे सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी देखने को मिल जाती है तो ये फोन काफी ज्यादा तगड़ा होने वाला है। अगर प्राइस रेंज की बात करें तो ये स्मार्टफोन अराउंड आपको 14,000 से 15,000 के प्राइस रेंज के अंदर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक और स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G स्मार्टफोन, वो यहाँ पे मतलब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लीक्स हैं कि आपको यहाँ पे ये स्मार्टफोन 4th of January 2022 को देखने को मिलेगा। मगर मैंने सोचा यार 4 दिन ज्यादा ही है, क्यों ना इसी वीडियो में इंक्लूड कर लिया जाए। अगर आपको ये फोन लेना है तो काफी ज्यादा तगड़ा फोन होने वाला है। एक अच्छे बजट के अंदर आपको यहाँ पे स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग, IP68 रेटिंग, 120Hz डिस्प्ले और यहाँ पे मेटल के फ्रेम्स होंगे। अराउंड आपको यहाँ पे ये 50,000 के प्राइस रेंज के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो दो कंपनी है ना जो सबसे ज्यादा स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है दिसंबर के मंथ में, वो है दोस्तों Redmi और मोटरोला। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम Redmi की बात करें कि Redmi जो कंपनी है वो कौन कौन से अपने स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाली है। सबसे पहले यहाँ पे निकल के आए Redmi Note 11T 5G स्मार्टफोन जो यहाँ पे 30th of November 2021 को लॉन्च होने वाला है। इसकी ऑफिशियल लॉन्च डेट भी सामने आ चुकी है, बट यहाँ पे ये जो फोन है वो यहाँ पे सेल पे दिसंबर में जाएगा। मतलब आपको दिसंबर में इसकी सेल देखने को मिल जाएगी। ये फोन ऐसे बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पे 15,000 से लेके 16,000 रेंज के प्राइस रेंज के अंदर देखने को मिलेगा। और इसी के साथ आपको अगर फीचर्स की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 810 5G चिपसेट देखने को मिलेगा जो यहाँ पे 6 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी पे आता है। काफी ज्यादा अच्छा प्रोसेसर माना जाता है ये। इसी के साथ आपको यहाँ पे 90Hz की एक IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इसी के साथ 5000mAh बैटरी, 50MP ड्यूल कैमरा, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स, ये जो काफी अच्छे जो फीचर्स हैं वो आपको इसी फोन के अंदर देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। और अगर बात करें और फोन्स की, यहाँ पे जो Redmi Note 11 Pro एंड Note 11 Pro Max फोन है ना जो चाइना के अंदर लॉन्च हुए हैं, वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पे इंडिया के अंदर Xiaomi 11i एंड Xiaomi 11i हाइपर चार्ज के नाम से लॉन्च होंगे। हाइपर चार्ज मतलब जो Xiaomi 11i हाइपर चार्ज होगा जो Note 11 Pro Max मॉडल है उसके अंदर आपको यहाँ पे 120V की यहाँ पे फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से इसका नेम यहाँ पे 11i हाइपर चार्ज हो सकता है। काफी अच्छा फोन होने वाला है। दोनों ही फोन के अंदर आपको यहाँ पे मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 चिपसेट देखने को मिलेगा जो काफी ज्यादा अच्छा चिपसेट है, नो डाउट। इसी के साथ आपको यहाँ पे 120V की फास्ट चार्जिंग, 120Hz की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, 108MP का कैमरा देखने को मिलेगा। और भी आपको यहाँ पे काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन देखने को मिल सकती है इन्हीं स्मार्टफोन्स के अंदर। काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लीक्स हैं कि ये स्मार्टफोन्स आपको यहाँ पे दिसंबर एंड या जनवरी की स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएंगे इंडिया के अंदर। इसी के साथ यहाँ पे एक और लीक सामने निकल गया है Redmi की,
K50 सीरीज को लेके जो यहाँ पे चाइना में लॉन्च होगी। पहले तो दिसंबर में तो चाइना में लॉन्च होगी और कुछ महीने बाद यहाँ पे इंडिया में भी आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जो Redmi एग्जीक्यूटिव लीक्स वगैरह निकल के आए हैं उसके अकॉर्डिंगली गेमिंग एडिशन स्पेशल एडिशन भी आएगा। यहाँ पे गेमिंग एडिशन होगा Redmi K50 सीरीज के अंदर, जिसके अंदर आपको यहाँ पे डायमेंसिटी 9000 चिपसेट देखने को मिलेगा, जो मतलब एकदम क्लियर चिपसेट होने वाला है। एक न्यू चिपसेट आया है, इसके बारे में भी बाद में बात करते हैं। इसी के साथ यहाँ पे Redmi के अंदर तो यही फोन लॉन्च होने वाले हैं। और अगर हम बात करें पोको की, जो एक Redmi का ही सब ब्रांड है पोको, यहाँ पे जो पोको M4 Pro मॉडल है वो भी यहाँ पे इंडिया में काफी जल्दी आ सकता है। बताया जा रहा है कि जो ये पोको M4 Pro मॉडल है वो यहाँ पे Redmi Note 11 5G जो 30 नवंबर को लॉन्च होने वाला है उसका यहाँ पे एक रीब्रांडेड वर्जन होगा। मतलब सारी स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे सेम होंगी, सिर्फ यहाँ पे डिजाइन वगैरह में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। मुझे नहीं पता भाई ये यहाँ पे Redmi जो है वो यहाँ पे ऐसे क्यों करती है कि रीब्रांडेड वर्जन लॉन्च कर देती है सेम फीचर्स के साथ में, बस थोड़ा बहुत डिजाइन अलग कर देती है। बाकी चलो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये पोको M4 Pro भी आपको दिसंबर के मंथ में ही देखने को मिल सकता है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पे स्नैपड्रैगन का एक इवेंट होने वाला है दिसंबर में, स्नैपड्रैगन टेक समिट, जो यहाँ पे 30 नवंबर से लेके 1 दिसंबर तक होगा, जिसमें स्नैपड्रैगन अपना एक नया एक फ्लैगशिप चिपसेट लॉन्च करने वाला है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1, जो यहाँ पे 888+ का एक सक्सेसर होगा। मतलब जो स्नैपड्रैगन 898 आना था उसका यहाँ पे नाम रखा है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1, जो काफी तगड़ा चिपसेट होने वाला है। हो सकता है कि उस इवेंट के अंदर यहाँ पे आपको Xiaomi 12 Ultra देखने को मिल जाए, जो यहाँ पे इसी चिपसेट के साथ में आएगा। तो यहाँ पे लीक्स वगैरह के अकॉर्डिंगली ये भी बताया जा रहा है कि Xiaomi 12 X भी आपको देखने को मिल सकता है स्मार्ट। तो आपको यहाँ पे MediaTek Dimensity 9000 चिपसेट के साथ में देखने को मिलेगा। दोनों ही चिपसेट नए चिपसेट है, एक बिल्कुल ही एकदम फ्लैगशिप चिपसेट है, जो अब आने वाले टाइम में आपको एक फ्लैगशिप फोन के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें मोटोरोला की, मोटोरोला भी काफी स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है इंडिया में। यहाँ पे 5 ऐसे स्मार्टफोन हैं जो यहाँ पे ग्लोबली मोटो के लॉन्च हो चुके हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ। मोटो G200 5G, मोटो G31, मोटो G41, मोटो G51 5G एंड मोटो G71 5G। मतलब 5 ऐसे स्मार्टफोन हैं जो यहाँ पे मोटोरोला ने ग्लोबली लॉन्च कर दिए हैं इंडिया में। आपको यहाँ पे मतलब ये तो पक्का हो जाता है कि आपको यहाँ पे 2 से 3 स्मार्टफोन तो दिसंबर में पक्का देखने को मिलने वाले हैं, वो यहाँ पे फोर श्योर हो जाता है। बट मैं जो स्ट्रॉन्ग लीक्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे जो मतलब चांसेस हैं वो यहाँ पे मोटो G200 5G, मोटो G31 एंड मोटो G51 या 71 के लॉन्च होने का है, क्योंकि लीक्स के अकॉर्डिंगली हमें यही बताया जा रहा है। अगर हम स्पेसिफिकेशंस की बात करें, जो मोटो G200 5G होगा वो यहाँ पे आपको 7-38,000 की प्राइस रेंज के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अंदर यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 888+ प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 144Hz की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, ट्रिपल ईयर कैमरा सेटअप, स्टॉक एंड्रॉइड प्लास्टिक बैक होगी। तो ये फोन भी काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है मोटोरोला की तरफ से। वैसे ही मोटोरोला काफी ज्यादा अच्छा काम कर रही है, काफी अग्रेसिव होते जा रही है मार्केट में, वो मुझे अच्छी बात लगी मोटोरोला की तरफ से। मोटो G31 की स्पेसिफिकेशंस आपको यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ। हीलियो G85 प्रोसेसर होगा, 4G फोन होगा। यहाँ पे मोटो G41 मोटो G41 नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पे इंडिया में लॉन्च होगा। और यहाँ पे मोटो G51 5G जो फोन है उसके अंदर आपको यहाँ पे स्नैपड्रैगन 480+ प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो मोटो G71 5G है उसके अंदर आपको यहाँ पे स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। OLED डिस्प्ले होगी, हाई रिफ्रेश रेट होगा। तो इन 5 स्मार्टफोन्स में से 2 या 3 स्मार्टफोन जरूर लॉन्च होने वाले हैं इंडिया में दिसंबर के मंथ में, जो यहाँ पे ये बात हमें पक्की मिल जाती है लीक्स के अकॉर्डिंगली। बाकी अगर हम बात करें वीवो की तरफ से यहाँ पे फोल्डेबल फोन आने वाले हैं चाइना के अंदर। बाकी इंडिया के अंदर वीवो का भी कोई भी फोन नहीं आने वाला है दिसंबर मंथ में, तो ये बात भी पक्की हो जाती है। अगर हम बात करें वीवो के सब ब्रांड की IQ की, यहाँ पे IQ की तरफ से आपको यहाँ पे IQ 8 सीरीज देखने को मिल सकती है, जो यहाँ पे एकदम फ्लैगशिप सीरीज होने वाली है। हाँ यहाँ पे चाइना में तो अगस्त में ही लॉन्च होगी थी IQ 8 सीरीज, बट तब से हम वेट ही कर रहे हैं भाई कि इंडिया में IQ 8 सीरीज कब लॉन्च होगी। इसके बारे में अभी बिल्कुल 100% में श्योर नहीं होगी IQ 8 सीरीज दिसंबर में लॉन्च होगी या नहीं, बट हम बता रहे हैं लीक्स के अकॉर्डिंगली कि IQ 8 सीरीज के अंदर आपको 2 स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, IQ 8 एंड IQ 8 लीजेंड। यहाँ पे IQ 8 लीजेंड होगा, उसके अंदर आपको यहाँ पे स्नैपड्रैगन 888+ प्रोसेसर देखने को मिलेगा।
2K डिस्प्ले देखने को मिलेगी, 2K 120Hz के साथ में डिस्प्ले देखने को मिलेगी स्क्रीन, जो मतलब एकदम काफी ज्यादा क्रेजी एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन होने वाला है। वैसे जो यहाँ पे iQOO 7 सीरीज थी वो भी काफी ज्यादा चल रही है, मतलब अभी तक भी काफी ज्यादा उसका क्रेज है, काफी डिमांड है। तो यहाँ पे iQOO 8 सीरीज की देखते हैं हम आने वाले, फिंगर्स क्रॉस्ड आने वाला है, देखते हैं हम दिसंबर के मंथ में आता है या अगले साल आता है, वो हमें आने के बाद पता लग ही जाएगा। बाकी अगर हम बात करें ओप्पो की तरफ से भी ओप्पो रेनो 7 सीरीज आने वाली है, जिसके अंदर आपको 3 स्मार्टफोन देखने को मिलने वाले, ओप्पो रेनो 7 SE, ओप्पो रेनो 7 एंड ओप्पो रेनो 7 प्रो। ये यहाँ पे 23,000 से लेके 40,000 तक इसकी प्राइस रेंज होगी तीनों स्मार्टफोन की। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो कल ही इसके ऊपर पूरी डिटेल वीडियो आई है स्पेसिफिकेशन को लेके, वो आप जाके जरूर देख सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों। और इसी के साथ अगर हम अगर बात करें वन प्लस की तरफ से, आपको पता ही होगा कि वन प्लस नाइन आर टी है वो यहाँ पे ग्लोबली लॉन्च हुआ है, उसका जो यहाँ पे नेम लगा है इंडिया में वो होने वाला दोस्तों वन प्लस आर टी। यहाँ पे जो आई मीन डाटा बेस वेबसाइट पे जो लिस्ट हुआ है वो यहाँ पे वन प्लस आर टी लिस्ट हुआ है इंडिया के लिए। ये मुझे नहीं पता कि यहाँ पे वन प्लस आर टी का क्या मतलब हुआ, बट जो ये वन प्लस आर टी है इतना ज्यादा खास फोन नहीं मैं कह सकता। जो यहाँ पे वन प्लस नाइन आ रहा था उसका ये यहाँ पे अपग्रेडेड वर्जन होने वाला है, बस यहाँ पे प्रोसेसर अच्छा डाल दिया कि आपको यहाँ पे स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल ईयर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे स्पेसिफिकेशन सेम टू सेम ही होंगी ज्यादातर वन प्लस नाइन आर के जैसे, यहाँ पे सिर्फ प्रोसेसर को चेंज कर दिया। मतलब मुझे नहीं पता यहाँ पे ये फोन लॉन्च करने का क्या मतलब बनता है, इसकी जगह पे ये वन प्लस 10 सीरीज को काफी जल्दी लॉन्च कर सकते थे एक अच्छी स्पेसिफिकेशंस के साथ में। बट बाय द वे यहाँ पे आपको वन प्लस आर टी इसी दिसंबर के मंथ में देखने को मिल सकता है, हो सकता है कि यहाँ पे आपको मिड या एंड तक दिसंबर के देखने को मिल जाए वन प्लस आर टी स्मार्टफोन। इसी के साथ अगर हम बात करें रियलमी के अंदर भी आपको काफी स्मार्टफोन देखने को मिलने वाले हैं दिसंबर के मंथ के अंदर। Realme C35, जी हाँ दोस्तों, Realme C35 काफी जल्दी लॉन्च होने वाला है दिसंबर के मंथ के अंदर ही। ये फोन एक बजट कैटेगरी के अंदर फोन होगा, यहाँ पे आपको 12,000 से 13,000 की प्राइस रेंज के अंदर, 11,000 से 12,000 की प्राइस रेंज के अंदर ये स्मार्टफोन आने वाला है। इसी के साथ Realme Narzo 50A Prime, जी हाँ दोस्तों, Realme Narzo 50A तो अभी लॉन्च हुआ था, वैसे ही कुछ आपको स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है Realme Narzo 50A Prime, जिसके अंदर आपको यहाँ पे Helio G88 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। इसी के साथ यहाँ पे Realme Narzo 50 Pro भी देखने को मिल सकता है और यहाँ पे Realme Narzo 50 भी देखने को मिल सकता है। अराउंड यहाँ पे जो ये सारे स्मार्टफोन्स हैं वो यहाँ पे आपको 12,000 से लेके 20,000 के प्राइस रेंज के अंदर देखने को मिलेंगे। Infinix भी यहाँ पे 2 स्मार्टफोन्स अपने लॉन्च करने वाली है दिसंबर के अंदर, Infinix Note 11 एंड Note 11 Pro। बेसिकली यहाँ पे Infinix की Note 11 सीरीज होगी, जो यहाँ पे Infinix Note 11 होगा उसके अंदर यहाँ पे आपको 6.7 इंच की फुल HD प्लस विविड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, Helio G88 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, सारी स्पेसिफिकेशंस आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे शो हो ही रही होंगी। यहाँ पे जो Infinix Note 11 Pro होगा उसके अंदर यहाँ पे आपको 120Hz की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, 30x टेलीफोटो जूम लेंस देखने को मिलेगा, 5000mAh बैटरी देखने को मिलेगी, 33W फास्ट चार्जिंग, Helio G96 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे Infinix की जो यहाँ पे Note सीरीज होती है वो यहाँ पे काफी ज्यादा एक अच्छी सीरीज होती है, काफी अच्छे स्मार्टफोन होते हैं Infinix Note सीरीज के अंदर। तो ये भी जो Infinix की Note 11 सीरीज होने वाली है काफी ज्यादा दमदार होने वाली है, देखते हैं ये दिसंबर के मंथ में कब तक आती है। दिसंबर एंड तक तो आपको यहाँ पे Infinix की Note 11 सीरीज देखने को मिल ही सकती है लीक्स के अकॉर्डिंग। बाकी यहाँ पे हाँ, जो यहाँ पे टेक्नो है वो उसकी तरफ से यहाँ पे कोई भी लीक नहीं अभी तक कि वो स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है। माइक्रोमैक्स की तरफ से लीक आया था कि एक स्मार्टफोन वो लॉन्च करेंगे 5G स्मार्टफोन, बाकी यहाँ पे ये श्योर नहीं है कि वो यहाँ पे दिसंबर के मंथ में लॉन्च करेंगे या वो जनवरी के मंथ में लॉन्च करेंगे। बाकी यही थी लीक से यहाँ पे जो स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं। हाँ, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा और वेट कर सकते हो जनवरी या फरवरी के मंथ के अंदर आपको काफी ज्यादा क्रेजी स्मार्टफोन और भी देखने को मिलेंगे। Realme की 9 सीरीज आने वाली है, Redmi की Note 11 सीरीज आने वाली है, Samsung S21 FE 5G देखने को मिल जाएगा, काफी फोन यहाँ पे लॉन्च होने वाले हैं। बट दिसंबर के मंथ में भी काफी ज्यादा स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं। नवंबर यहाँ पे ठंडा पड़ गया था भाई, बट दिसंबर से यहाँ पे गाड़ी शुरू होने वाली है, फोन के अंदर काफी ज्यादा फोन आने वाले हैं। आप बताना जरूर कि आपको यहाँ पे इन सभी स्मार्टफोन में से सबसे ज्यादा वेट कौन से स्मार्टफोन का है, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसी वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए हमारे चैनल को जाके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।